नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त पूरे ही देशभर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मैदानता हॉस्पिटल में उन्होंने तकरीबन 8:16 पर अंतिम सांसें ली। किडनी में उनके इन्फेक्शन फैल चुका था और वहीं वह यूरिन इन्फेक्शन से पीड़ित थे। 26 सितंबर के दिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन 2 अक्टूबर के दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। ऑक्सीजन लेवल उनका कम हुआ, बीपी लो हुआ, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, डॉक्टर्स ने यहाँ पर तमाम कोशिशें की, लेकिन मुलायम सिंह यादव को नहीं बचाया जा सका। 82 साल की उम्र में वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 11 अक्टूबर के दिन उनके पैतृक गांव सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद यहां एक तरफ यादव कुनबे में शोक का माहौल है, पूरे ही देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन राजनीतिक समीकरणों पर ध्यान दें तो यहां पर नाम सबसे आगे अब बना हुआ है, ना सिर्फ सपा प्रमुख उनके बेटे अखिलेश यादव का, बल्कि यहां पर अब चर्चा का विषय और भी ज्यादा बन चुके हैं उनके छोटे भाई प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव। जी हाँ, शिवपाल सिंह यादव, जिन्हें बीते कुछ महीनों पहले ही अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया कि वह जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव, जो मुलायम सिंह यादव का हमेशा ही सम्मान करते हुए देखे जाते थे, जो कहते थे कि मरते दम तक मैं भाई का सम्मान करूंगा, लेकिन अब क्या शिवपाल सिंह यादव अपने भाई की खातिर अब सपा में वापसी करेंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, यादव कुनबे में क्या हाल है, यह हम सभी जानते हैं। और हाल ही में शिवपाल सिंह यादव से जब इंटरव्यू में बातचीत की गई थी, उस वक्त यहाँ पर उन्होंने बचपन से लेकर अब तक के राज खोले हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव से जब पूछा गया कि क्या यहाँ पर अखिलेश यादव अगर उन्हें प्रस्ताव देते हैं सपा खेमे में वापसी के लिए, तो क्या वह जाना चाहेंगे, तब उन्होंने अपनी नाराजगी को एक बार फिर से जाहिर किया कि जब बैठक हुई थी यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद, उस वक्त अखिलेश यादव ने हमें आमंत्रित नहीं किया, उनसे सवाल भी पूछे गए थे, लेकिन अब अगर अखिलेश यादव उन्हें बुलाना चाहेंगे तो वह नहीं जाएंगे, प्रसपा को मजबूत बनाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पर जब साफ तौर पर इनकार कर चुके, तो यह सवाल उठना ही नहीं बनना चाहिए कि यहाँ पर जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तो तभी से नाराजगी शुरू हो गई थी जब उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया था। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने नाराजगी को कम करने की कोशिश ही नहीं की, शिवपाल सिंह यादव से बात करने की कोशिश ही नहीं की, तो अब भी कहाँ ही करते नजर आएंगे इस तरीके से। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा कि जब खुद की पार्टी को मजबूत करने में शिवपाल सिंह यादव लगे, वो चाहते हैं कि सपा जैसी मेरी खुद की प्रसपा हो, तो कहाँ ही वो सपा में जाएंगे। तो यहाँ पर अभी शिवपाल के लिए ये ज़्यादा जरूरी है कि वो अपना भी भविष्य देखे, अपने बेटे का भी भविष्य देखे, आने वाला समय काफ़ी कुछ दिखाता नजर आएगा अभी अखिलेश यादव को। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने और भी राज खोले हैं अखिलेश यादव की नाराजगी को लेकर, उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि जब बैठक हुई थी उससे पहले यूपी के जो चुनाव हुए थे, उस वक्त उन्होंने कई बार राय दी थी अखिलेश को, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि सपा के लिए कुछ करना चाहेंगे शिवपाल सिंह यादव? 6 बार वह विधायक रहे हैं और आखिरकार इस पार्टी के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया, मुलायम सिंह यादव ने हमेशा ही उन्हें साथ रखा, उन्हें छोटे मंत्री कहा जाता था यहाँ तक कि, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर वह कुछ ना कुछ अब समाजवादी पार्टी के लिए करते हुए दिखते हुए नजर आएंगे? देखिए प्रियांशी, अगर वो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी करते हैं तो फिर प्रसपा कमज़ोर पड़ जाएगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो नहीं करेंगे सपा के लिए। देखिए, यहाँ पर पूरा परिवार एक साथ इसलिए नजर आया क्योंकि वो अंतिम समय चल रहा था मुलायम सिंह यादव का, नेताजी का, और सब लोग प्यार करते थे नेताजी से, वो हमने भीड़ को देखकर हमने अनुमान लगा लिया था, इस वजह से वो पूरा परिवार एक साथ नजर आया। लेकिन अब निधन हो गया, आज एक दिन हो चुका है यहाँ पर गए हुए मुलायम सिंह यादव को, तो देखिए अब यहाँ पर तस्वीरें बदलती नजर आएगी, यादव परिवार जो साथ नजर आ रहा था वो अलग अलग होता नजर आएगा, और मुझे नहीं लगता कि शिवपाल सिंह यादव सपा के लिए कुछ भी अच्छा करते नजर आएंगे। देखिए, जिस तरीके से कशिश ने यहाँ पर कह दिया है साफ तौर पर कि अब लगता है कि अब यहाँ पर एकजुट होते हुए नजर नहीं आ सकते हैं शिवपाल और अखिलेश, आगे हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहते हैं यादव कुनबे को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर अखिलेश यादव के फैसले के बारे में, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर यह भी पूछा गया है शिवपाल सिंह यादव से कि अगर अध्यक्ष पद की कमान सौंपना चाहेंगे अखिलेश यादव शिवपाल को उनके पिता के गुजर जाने के बाद, तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर अध्यक्ष पद किसी और के हाथों में जाने देंगे अखिलेश, क्योंकि उन्होंने वापस तो ये पद अपने पिता को भी नहीं दिया था?
देखिए, अखिलेश यादव ने जितने समय तक समाजवादी पार्टी के तमाम रणनीतियों के लिए काम किया और लगभग आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत को उन्होंने बेहतर ढंग से समझा, क्योंकि उनका एक बार का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है, तो ऐसे में उनको अब उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी पार्टी को संचालित करने के लिए। लेकिन साथ ही परिवार के भीतर जो अंतर्कलह है उसको ज़रूर मिटाना होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी इसका सियासी फ़ायदा ज़रूर उठा सकती है, क्योंकि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी के सभी रणनीतियों के बारे में बेहतर जानकारी होगी और उसका फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। और यहाँ पर शिवपाल यादव जो है सबसे बड़े एक तरीके से मोहरे के तौर पर इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जो उनके तेवर देखने को मिले थे उससे यही लगता है कि आने वाले समय में भी वो अपनी ही पार्टी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, ना कि समाजवादी पार्टी में फिर से उसी निष्ठा के साथ जुड़ करके पार्टी के बेहतरी के लिए काम करेंगे वो, क्योंकि उनकी नाराजगी हमेशा जो है अखिलेश यादव से ही हुआ करती थी, अखिलेश यादव के लिए गए फैसलों से हुआ करती थी, वो कभी भी मुलायम सिंह यादव से नाराज नहीं रहा करते थे और जब भी उनकी नाराजगी अखिलेश यादव से देखने को मिलती थी तो सीधे तौर पर नेताजी से मिलकर के उस बात को जो है हल करने का प्रयास किया करते थे। लेकिन अब जबकि एक गार्जियन के तौर पर नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसे में अब कौन मध्यस्थता करवा पाएगा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में, तो ये चुनौती कहीं ना कहीं बड़ी है अखिलेश यादव के लिए कि परिवार को पूरी तरीके से एक साथ रखने में क्या वो कामयाब हो पाएंगे या पार्टी में गुटबाजी देखने को मिलेगी या पार्टी में कोई बड़ी टूट की भी आशंका जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस तरीके के मौक़ों की तलाश में रहती है और जितनी मजबूत स्थिति है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में उससे तो यही लगता है कि फिलहाल सत्ता के करीब जो है समाजवादी पार्टी नहीं जा पाएगी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर बेहतर रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव काम करते हैं तो फिर उसका नतीजा उनको ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि मुलायम सिंह यादव तो इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी को 30 साल पहले स्थापित किया गया था, 30 साल हो चुके हैं और अब यहाँ पर शिवपाल यादव का क्या फैसला होता है, आपको बता देते हैं। सबसे पहले कि कुछ बड़ी चुनौतियाँ हैं जो अखिलेश यादव के सामने खड़ी हुई हैं, एक तरफ उन्हें अपने परिवार को संभालना है, दूसरी ही तरफ अपनी पार्टी को संभालना है, इसको आगे बढ़ाना है और भी अच्छे से आगे बढ़ाना है, जितना नेताजी ने किया था उनसे भी ज़्यादा अब अच्छा करके दिखाना होगा उन्हें, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर मैनपुरी सीट से यहां पर किसे उतारा जा सकता है, धर्मेंद्र यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, आखिरकार किसे उतारा जाएगा, तो इस पर हम जानना चाहेंगे यहां पर दीपक से कि दीपक यहां पर अब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सियासी समीकरण को देखते हुए, क्या वाकई में अखिलेश यादव अब यहां पर जिस तरीके से जब शिवपाल सिंह यादव ने उनके कंधे पर हाथ रखा था मुलायम सिंह यादव की अंतिम विदाई के दौरान, उस वक्त वह काफी रोते बिलखते हुए नजर आए हैं शिवपाल सिंह को देखते हुए, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव का झुकाव देखने को मिलेगा अब शिवपाल की तरफ? देखिए, अगर आप कुछ बातें गौर करें तो पाएंगे कि जब नेताजी थे तो प्रसपा का निर्माण तभी हुआ था, पार्टी तभी बनी थी, तभी नेताजी नहीं रोक पाए थे, शिवपाल ने अपनी मर्जी की ही की थी, अखिलेश के खिलाफ की थी। और अगर ये कहना है कि अखिलेश यादव कुछ नाराज़गी जाहिर करते हैं जब भी शिवपाल अपनी बातें रखते हैं, यहाँ तक कि जो विधानसभा चुनाव हारे थे उसके बाद कुछ बड़ी बैठकें हुई थी, उन बैठकों में शिवपाल यादव को शामिल तक नहीं किया गया था, जो बताया गया था कि हम तो सिर्फ शिवपाल ने जो बयान दिए थे उस वक्त में उन बयानों को जोड़ें तो उन्होंने कहा कि 117 विधायकों में से हम भी एक मामूली विधायक हैं, अगर परिवार से जोड़ के आप हमारा खास नाता निकालोगे तो वहां पर लाजमी सी बात नहीं बनेगी। तो ये सारी बातें नेताजी को समय में ही अखिलेश और शिवपाल के बीच देखने को मिली थी। और रही बात अब तकरार की, तो अभी जब परिवार के प्यार की बात आई थी, दोनों एक साथ नजर आए, जब मुलायम सिंह यादव की कहीं ना कहीं पार्थिव शरीर के सामने फूट फूट कर रोते नजर आए तो वो साफ जाहिर हुआ कि एक भाई के जाने पर कितने भावुक हैं, लेकिन परिवार अलग और पार्टी अलग, ये बात शिवपाल यादव बखूबी जानते हैं। आज की तो राजनीति कर नहीं रहे, लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव बखूबी जानते हैं कि उनको अगला कदम क्या उठाना, क्यों, क्योंकि अगर अखिलेश यादव के साथ चलना पसंद करते हैं तो उनके बेटे आदित्य जो खुद राजनीति में आने का मन बना चुके हैं, शिरकत करते नजर आते हैं, तो क्या अखिलेश उन्हें उतना मौका देंगे कि नहीं देंगे? जैसे आजम को कहीं ना कहीं पिछाड़ दिया पूरा अखिलेश ने, क्या वैसे ही शिवपाल की हालत हो रखी है? तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो एक्सपीरियंस के साथ अखिलेश के नेतृत्व से काफी परेशान हैं। अगर राजनीतिक समीकरणों को याद रखें तो अखिलेश यादव ने कई बार शिवपाल सिंह यादव को समर्थन भी दिया है, विधानसभा में जब उनकी सीट आगे नहीं रही उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, नाराजगी एक तरफ है लेकिन यहाँ पर उन्होंने इज्जत दी अपने चाचा जी को, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि विधानसभा में उन्हें आगे की सीट मिलनी चाहिए, आखिरकार वह वरिष्ठ नेता हैं, और इस तरीके से झुकाव देखने को मिला। और अब यहाँ पर सियासी समीकरण जिस तरीके से बने, कई बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं अखिलेश के सामने और उन चुनौतियों का सामना जाहिर सी बात है अब शिवपाल सिंह यादव ही करा सकते हैं, तो क्या उसकी वजह से यहाँ पर शिवपाल ने तो मना कर दिया है लेकिन क्या अखिलेश यादव कहीं ना कहीं झुकते हुए आपको नजर आ सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव अगर बात करें तो जब जब पार्टी हारती है तो उनको कुछ ऐसे फैसले लेने होते हैं जो उनके कहीं ना कहीं
थोड़े बहुत जज्बे और गुरूर से थोड़े अलग हों ताकि उसको पार्टी का फ़ायदा मिले। अब जैसे शिवपाल यादव की बात कर लें, मुलायम सिंह यादव अगर 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो शिवपाल ने भी कहीं ना कहीं बखूबी साथ दिया था ना। तो कई सारे ऐसे नेता रहते हैं जो आपको पीछे से बहुत सपोर्ट करते हैं जिससे आपका फ़ायदा ही मिलता है, कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर बहुत मदद देते हैं। आप शिवपाल अगर जनता के बीच जाएं तो मुलायम सिंह यादव के भाई कहलाए जाएंगे, और जैसा कि आपने कहा था कि बड़े नेताजी अगर मुलायम सिंह जी को कहा जाता था तो छोटे नेताजी शिवपाल को कहा जाता था। तो वह एक छवि जनता जानती है कि अगर सफाई के लिए काम मुलायम सिंह यादव ने किया था तो यूपी के लिए भी बहुत सारा काम यहाँ पर शिवपाल ने किया। अगर बीजेपी जैसी पार्टी शिवपाल के लिए अपने द्वार खोले बैठी है तो ज़रूर उनके अंदर कोई खासियत है, और अखिलेश यादव को ये सब समझ कर आगे हाथ बढ़ाना चाहिए और अखिलेश को इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्र में वो कम है तो आगे उनको आना चाहिए। जैसा कि हमारे सहयोगियों ने यहां पर राय रखी है कि अब शिवपाल सिंह यादव तो झुकने वाले नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भतीजे होने के नाते, छोटे होने के नाते यहां पर अब शिवपाल सिंह यादव के आगे अब झुकना जरूर चाहिए। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहां पर अब अखिलेश यादव के क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, शिवपाल सिंह यादव अब आखिरकार क्या अगला कदम उठाएंगे? आपको बता दें कि जब मुलायम सिंह यादव हॉस्पिटल में एडमिट थे, दिन और रात एक कर दिए थे पाल सिंह यादव ने, दिन और रात उन्होंने हॉस्पिटल में ही गुजारा, और इस वक्त उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर, इस वक्त उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी देखने को मिल रही है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भी रात भर रोए हैं, सो तक नहीं पा रहे हैं, अपने बड़े भाई को वह पल पल याद कर रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि अब यहाँ पर यादव परिवार इस गम से उभर कर राजनीति की दुनिया में क्या कुछ अहम फैसले लेगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए, आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।